सभी लोग किसी एक को अपना नेता चुन लें। अगर हमारे समाज पर कोई भी परेशानी आती है तो हमारा समाज का जो नेता है, हमें अगर हमारा नेता बोलेगा कि भाई हमें उस जगह सबको इकट्ठा होना है, तो सभी लोग एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाएं। तथा मेरा एक सुझाव ये भी है कि जैसे छोटे छोटे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे जो संगठन है, इन सारे संगठनों को एक संगठन में मिल जाना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी नदियां बहती रहेंगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर सारी नदियां एक साथ मिल जाएंगी तो वो समुद्र बन जाएगा। और मैं चूंकि मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ, अभी ये हो रहा था कि हमारे अधिकारी बनना चाहिए, तो ये बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज से जो भी अधिकारी बन जाते हैं, अधिकारी बनते ही वो अपने समाज को भूल जाते हैं। और उन्हें तो अपनी जाति बताने में भी शर्म आती है कि हम जाटव हैं, कि हम चमार हैं, या हम क्या है। क्योंकि चूंकि मेरे हस्बैंड भी IAS हैं, तो मैं अधिकारियों से काफी मिलती जुलती हूँ और मैं सभी लोगों को देखती हूँ। लोग मुझे भी मना करते हैं कि अरे मैडम आप खुलकर क्यों बाबा साहब की बातें करती हैं, क्यों मिशन की बातें करती हैं, लोग आपको गलत कहेंगे। मतलब जिन अधिकारियों को मैं जानती हूँ वो लोग मुझे अप्रिसिएट ना करके बल्कि मुझे चुप रहने के लिए बोलते हैं। और मेरा भी विवाद हुआ था ADM कर्नल विवाद, BS चौहान से मेरा झगड़ा हुआ था, शायद इंटरनेशनल मामला हुआ था। उसमें मेरे हस्बैंड को सस्पेंड किया गया, मेरा ये छोटा बेटा है इस पर भी 307, जब पता चला कि ये तो बहुत छोटा है तो फिर उसको काट दिया गया, बड़े बेटे पर 307, मुझ पर। तो मैं हम लोगों ने समाज बहुत अच्छा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि समाज जो भी छोटे छोटे संगठन थे वो एकदम एक्टिव हुए और हम लोगों ने धरने प्रदर्शन हर जिले में करने शुरू कर दिए। तो योगी को झुकना पड़ा, वरना योगी की ये जिद थी कि एक दलित और एक ठाकुर को जेल कैसे भेज सकता है एक दिन के लिए, सही, लेकिन हस्बैंड वाइफ को, इन दोनों को जेल भेजना ही चाहिए। तो देखिए हम लोग समझ सकते हैं कि अभी भी हम लोग IAS हो जाए या हमारे राष्ट्रपति जी भी हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, तो हम लोग मतलब मैं बहुत सोचती हूँ पर मुझे कोई निष्कर्ष नहीं मिलता। हम लोग एक जगह बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अपने लालच में है। और अब मतलब बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको संगठित रहना चाहिए। अगर हम संगठित रहेंगे, हमारा एक नेता रहेगा, जैसे RSS है, मोहन भागवत जो कहते हैं सारे लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई एक नेता नहीं है। अब मैं अपने बारे में भी कहूँगी, जब अगर मेरा झगड़ा नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। मुझे भी समाज याद जोरों पर आया जब मैं एकदम परेशान हुई। तो अगर हम इस वे में देखें तो मुझे लगता है कि मनुवादी हम लोगों को, जैसे कि बहन जी बोलती थी कि जितना हमारे लोग परेशान रहेंगे उतना ही हमारे पास आएंगे, संगठित होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे लोगों में ये बहुत बड़ी कमी है, उस कमी को दूर करें। इस संविधान के द्वारा ही वो IAS PCS और जजेज और नेता भी बनते हैं हमारी रिजर्व सीट से, लेकिन रिजर्व सीट से बनने के बावजूद भी हमारी बात कहने में डरते हैं। आखिर इतना डर क्यों? आप हमारे वोट लेके नेता बनते हैं तो हमारी बात कहने की भी हिम्मत रखिए। अगर हमारी बात कह नहीं सकते हैं तो हमें उनको वोट भी नहीं देना चाहिए। हम लोगों को ये भी अपने मन में, आप जैसे अभी माननीय उदित राज जी बैठे हुए थे, खैर अब तो वोट कर यहाँ से चले गए हैं, जब मैं उनकी बात सुन रही थी तो मुझे लगा कि उन्होंने बोला कि हमें किसी भी मंत्री से कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये बात 100% सही थी कि उन्होंने अपने ऊपर ही ये बात रखकर बोली थी। आप पता नहीं, मैं शायद छोटे मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, क्षमा करेगा मेरी किसी बात है, किसी को बुरा लगे। तो उदित, और अच्छा फिर हमारे कोई बड़े थे, पता नहीं पिता तुल्य थे, उन्होंने आकर माइक लेके कहा सब लोगों से कि भाई हम लोग उदित राज जी को अपना नेता चुने। तो मैं उनसे माफी चाहती हूँ कि आप लोग किसी की मीठी मीठी बातों में आकर एकदम एकदम उस व्यक्ति को अपना नेता ना चुने। पहले जैसे कि हम दही होता है, हम लोग उसको पहले मथानी चलाते हैं, फिर घी निकलता है, फिर मट्ठा और घी अलग होता है। तो चूंकि मैं लेडी हूँ और लेडीज बड़े अच्छे से मैनेजमेंट और लोगों को पहचानने की उसको आदत होती है, तो वो लेकिन मुझे लगता है हमारे जो
समय को तो याद भी नहीं करना चाहती। तो मेरे कजन है वो गाजियाबाद में रहते हैं, रविंदर योगिंदर, तो वो मेरे दोनों भाई उदित राज जी के पास पहुंचे कि भाई हमारी मैडम बड़ा परेशान है, आप कुछ मदद करिए, आप सरकार में मुख्यमंत्री जी को बोलिए, आप कुछ करिए। तो उदित राज जी अपने घर में दो कुत्तों के साथ बैठे हुए थे, आप तो खैर घूट कर चले गए, अपने कुत्तों पर हाथ सहला रहे थे और फिर खाना भी वही मंगा लिया। कहते कि नहीं 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 मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों मदद करूं, भाई आप लोग जाइए। उसके बाद उन दोनों के नंबर ले लिए, अपने चंदे के लिए उन्हें फोन करने लगे कि आप हमारे पास आइए, बीजेपी को ज्वाइन करिए और चंदा करिए। ये उदित राज जी की हकीकत है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुझे लगता है ये फैक्ट है, नहीं ये फैक्ट है, ऐसे सभी मेंबर पार्लियामेंट में उदित राज जी हैं। तो चलिए खैर हमें इस बात को यही खत्म करती हूँ, मतलब अपना नेता जरूर चुने, लेकिन जैसे अभी हमारे माननीय आप श्री जय भगवान जाधव जी हैं या और भी समाज सेवी बहुत होंगे, आप अपना नेता चुनिए आपके जैसे लोगों को, और हम सब लोगों को उनके पीछे चलना चाहिए, ना कि किसी नेता को हम अपना नेता, वो तो ऑलरेडी नेता है, आपको हमारी क्यों सुनेगा, अगर उसको सुनना होता तो नेता ही क्यों बनता, समाज की सुनना होता। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में अपना सबको जय हिंद नमो बुद्धाय। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।